Welcome to another video of Your Own Be Bonnie channel. We now have more than 600 videos, divided in various playlists of Islam, Madina Munawara, science, Ars Carom Board, traveling and recreation. If you have not subscribed this great channel, doing so will keep you in touch with our future videos. Thanks. नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई नादिर है कि इसमें मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों में जो ग्रेफिटी और जो कदीम खत्ताती के नमूने दरियाफ्त हुए हैं उन सब की नुमाइश की जा रही है। मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने एक म्यूजियम बनाया गया है, तो देखिए गाइड क्या कहते हैं। और हजारों साल से लोग और ये एक ऐसी कौम है जिसके साथ मदीना का लिंक था, जिसको दादानियन कहते हैं या लहियानी कहते हैं, और लहियानी कबीला अभी तक मक्का में मौजूद है। और ये बहुत मतवर थे उस वक्त, उस जमाने में भी इनकी अपनी करेंसी थी उस वक्त लहियानी कबीले जी, और उनकी बहुत बड़ी हुकूमत थी। ये नक्श और ये वाला नक्श जो है राइट साइड में, ये दोनों, और इधर आपको एक और जो इनका मदीने वालों को एक फन दिखाते हैं, जिन्होंने अपने जानवर जो उनके साथ रहते थे उनकी एक तस्वीर बनाई हुई है। उसके अंदर एक ऐसा जानवर है जो हजारों साल से खत्म हो चुका है, जो हाथी से बड़ा था, जिसको मामूस कहते हैं। मामूस ये दरमियान में जो है ये मामूस है, और इसका तहकीक करता है कि मदीना में लोग हजारों साल से मौजूद थे और आबाद था मदीना। जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये भी मौजूद है जी। और एक और कौम है जो जिसका मदीने से लिंक था, ये कौम इसको निप्तियन या निप्ति अरबी में अम्बाद भी कहते हैं। ये भी सऊदी अरब के वेस्ट साइड में इनकी हुकूमत थी, और ये सीरिया तक थे और मिस्र के शिमाली इलाके सिकंदरिया तक इनकी हुकूमत चली है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी लिखाई है अरबी लिखाई से बहुत करीब है, जो बगैर नुकात किसी भी पुरानी अरबी लिखाई, उसकी वजह है कि अरबियों ने लिखने का तरीका इनसे लिया था। अच्छा, नबातियों से, नबातियों से या अनबाक जिनको कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं पुराना अरबी तरीका जो था लिखने का बगैर नुकात से, ये है। और ये एक ताबीक है जो हजरत उमर का पोता है, उन्होंने लिखी है जी जी। अना उस्मान उबैदिल्लाह अब्दुल्लाह इब्न उमर आमनतु बिल्लाह अल अज़ीम। माशाल्लाह। और जो भी लोग मदीना में रहे, चाहे उसके घरों के अंदर, चाहे बस्तियों के आले दुआले खेमों के अंदर, सब जो है मदीने से मोहब्बत करते थे, उसका बहुत ताल्लुक बन चुका था। हत्ता कि उन्होंने मदीने के बारे में शेर व शायरी लिखी है। एक मरूफ शायर है इस्लाम के पहले का, जिसका नाम ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा है, उसने बहुत बड़ा शेर लिखा था मदीने के बारे में। उसका शेर ये इस्लाम के बाद लिखा गया है, नक्श किया गया है एक पत्थर के ऊपर। ये शेर अभी जो पीछे चल रहा है, इसका मतलब है कि मदीना जो है दो लाबों के दरमियान ऐसे छपा हुआ है, जैसे एक आदमी टाटू बनाता है, फिर उसके ऊपर एक और तीन चार मतलब टाटू बनाता है, ऐसे छपा हुआ है। और उसमें मदीना का बहुत लंबा मदह किया हुआ है, ठीक है। एक और कौम है जिसको रोमन कहते हैं, रोमन कौम का भी मदीना के साथ लिंक था। एक वक्त इसकी हुकूमत इसके करीब करीब आ चुकी थी, तो इस नक्श के ऊपर जो शुक्रिया अदा किया गया है, जो एक कैसर था जिसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, उसने इधर एक किला बनाया था मदीना के करीब, उसने ऑर्डर दिया था, उसका शुक्रिया अदा इसके ऊपर किया गया है। और ये लैटिनी जबान है जो इंग्लिश की माँ समझी जाती है लिखाई के अंदर। ये सब चीज़ तकीद करती है कि कैसे अल्लाह ताला ने तकदीर बनाई मदीना की कि वो आबाद रहे, उसके दूसरी कुमरों के साथ लिंक रहे, और नबी सल्लम आए और उनका शहर बन जाए। ये कौन सा? ये जो है कौम सबा जो यमन में था, जो अब्राल हबशी उसका हाकिम था, ये उस कौम से मुतालिक नक्श है। अब्राहम जी, बिल्कुल। और ये जो जिंदगी थी मदीना वालों की, बहुत खूबसूरत जिंदगी, इसके बावजूद मदीना के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें आई हैं जिसमें कौम मुसीबतें थोड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, वो आपको इस बेरिज के अंदर बताएंगे कि लोग मदीने के मिस्र के अंसर कैसे ज़िंदगी गुजारते, कैसे रहते थे। ये भी जो है उन्हीं दादानी जो शुरू में आपको दिखाया था, ये उन्हीं का ही है, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो थी बदलती रही। ये आखिरी जो है का तरीका ये था लिखने का। मोस्ट वेलकम, आ जाइए। जी मोस्ट वेलकम। ये पुराना मदीना है जिसको यथरीब कहते थे, और यथरीब इसलिए कहते थे कि जो पहली कौम मदीना के एरिया में रही है ओहद पहाड़ के पास, उसका जो बड़ा आदमी था उसका नाम यथरीब था, और ये नबी नूह अलैहिस्सलाम का छठी नस्ल है। लावे के पत्थर से बनाए जाते थे, बाकी जो है मिट्टी से बनाया जाता था। और लावे के इसलिए बनाते थे, लावे जो है गर्मी में अंदर से सर ठंडा होता है और सर्दी में अंदर गर्म होता है।
और जैसे आपको पता है कि मदीना जो है ज़राई शहर था और उसमें खजूरें और भी कई चीज़ें उगी जाती थी। उसके आगे दुआने तीन बड़े पहाड़ हैं, अवध पहाड़ है, एर पहाड़ है, दौड़ पहाड़ है, और उनके घर छोटे छोटे थे। बड़े घर जो थे वो बड़े लोगों के थे और लोग आम जिंदगी, मोहब्बत वाली अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। जो ऊँट था वो उनका वसीला था सफ़र करने के लिए, और मदीना एक ऐसी जगह में था जो भी लोग यमन से या शाम से आते थे वो मदीना उनकी एक रेस्ट वाली जगह थी, जहाँ के उनको खाना भी मिलता था, पानी भी मिलता था, और एक बाज़ार था बहुत बड़ा मदीना में, तिजारती बाज़ार, और उनकी तिजारती भी मिल जाती थी। आप देख सकते हैं काफले आ रहे हैं, बाज़ार का नाम क्या था जी? काफले जा रहे हैं जी, बाज़ार का नाम, बाज़ार का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मदीना का मारूफ बाज़ार था। सूक मनाखा तो नहीं कहीं? सूक मनाखा भी एक पुराना बाज़ार है, लेकिन उससे पहले भी और भी बाज़ार थे। गुजार रहे हैं, खरीदारी हो रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन नबी के आने से 200 साल पहले तकरीबन ये कुछ सामान रखा हुआ है जो उस वक्त भी इस्तेमाल होता है, अभी तक इस्तेमाल होता है। खजूरें हैं, ये जौ हैं, और कलवंजी है, उसके मेहंदी के पत्ते हैं और मेहंदी पीसी हुई है। उनकी जो औलाद थी आगे से उनको औस और खज़रज का नाम दिया गया है। दो महल्ले बन चुके थे उस फजल के, उसकी वजह ये बनी कि जब वो आके रहे यहूदियों के पास, यहूदी पहले रहते थे, उन्होंने देखा कभी ये हमारे साथ आके रह रहे हैं, उन्होंने तंगी महसूस की, उन्होंने इसके दरमियान फितना डाल दिया क्योंकि वो आराम से आपने ज़िंदगी गुजारे और इनके फितने में रहें, और यहूदी को असला भी बनाने आता था और उनको वो असला बनाते, इनको बेचते भी थे, एक कबीला एक को बेचता था, दूसरा कबीला दूसरे को बेचता था। फितना इतना बढ़ता रहा कि वो एक आमने सामने किले बनाना शुरू हो गए। ये किले को अरबी में अतम कहते हैं। अतम और आम किले का ये फ़र्क है कि अतम जो है ये पहाड़ी जैसे होता है, छोटी पहाड़ी जैसे, इसके ऊपर लोग आमने सामने देख रहे हैं, एक दूसरे की रखवाली कर रहे हैं, एक देख रहे हैं, नज़र कर रहे हैं, और ये फितना बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि औस और खज़रज के दरमियान जंगें शुरू हो गई। इतनी ज़बरदस्त जंगें शुरू हुई कि 120 साल जंगें रहीं इनके दरमियान, सुभान अल्लाह, सबके भाइयों के दरमियान, और इनके बड़े लोग मर गए, औरतें बेवा हो गई, तो वो जंगें फिर ख़त्म कैसे हुई यही आपको भी बताएंगे आप, कि इतने आगे ये ज़िंदगी की वजह से, और ये ढूंढना शुरू हो गए एक ऐसे लीडर को जो इनको फिर जमा करे। उसी टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दुखी थे अहले मक्का से और ताइफ वालों से, जिन्होंने नबी सल्लम के कदम मुबारक को शहीद किया, और फिर उसके बावजूद नबी सल्लम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जिसके नबी सल्लम को जो उनका शहर बन जाए दावत का, और उनके लोग उनके हामी बन जाए, उनकी दावत को कबूल करें। तो उसके बाद जो है जो मुलाकात हुई, जिस मुलाकात से इस्लाम की नई हिस्से शुरू हुई, वो आपको अंदर इंशाल्लाह स्क्रीनों के अंदर वीडियो के अंदर दिखाएंगे, उस वीडियो को अंदर वीडियो बनाना मना। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़त्म जी, तो अब मैं, अच्छा, जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह खैर या उख़्ती।